मैं यहाँ पर बैठा हूँ कि मैं भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को हराऊंगा यहाँ पर। तब से आप चुनाव जब से शुरू हुआ था 5 ट्रिलियन इकोनॉमी कर दिया हम लोगों ने, और उस पर बहुत हो हल्ला हो रहा है। डॉलर की इकोनॉमी ये इतना एक जुमले के अलावा कुछ नहीं है, और देश की अर्थव्यवस्था जब बढ़ती है तो 3 ट्रिलियन की होगी, 4 ट्रिलियन की महंगाई तो मार रही है, बिल्कुल। उसको याद पड़ेगा कि भाई इतना सब कुछ गड़बड़ हो गया है। करते थे विकास की कि हम लोगों ने 5 साल में क्या किया, पिछली 5 साल में डबल इंजन की सरकार भी थी यहाँ, तो उन्होंने बात करते थे कि 5 साल में क्या किया। लेकिन अभी यहाँ पे देख रहे हैं कि जो वादे किए थे स्टार्टिंग में, 2014 में शुरू हुआ था कि 15 लाख दे देंगे और उसके बाद 2 करोड़ नौकरियाँ देंगे, उसके बाद जो पेट्रोल का दाम है 35 रुपया कर देंगे, और बहुत सारी चीज़ें हैं, गैस का दाम कम कर देंगे, इन सब पे जो बात हो रहा था, 100 मेट्रो ये सिटीज़ जो स्मार्ट सिटी स्मार्ट सिटीज़ की बात हो रही थी, बुलेट। और जितने वादे थे उनकी चर्चा इसलिए नहीं होगी कि वो वादे पूरे नहीं हुए, इसलिए मोदी जी चाहेंगे कि किनारे होके निकल जाएं। मोदी जी फेल हो चुके हैं, और सब्जबाग दिखाना, जुमलेबाजी करना। थोड़ी थी तो आपने एक बात कही थी कि ये तानाशाही की तरफ जा रहा है ये सरकार, इसीलिए मैं इससे अब थोड़ा सा अलग हो रहा हूँ। तो स्वतंत्र मीडिया, क्या मीडिया स्वतंत्र रहा? बहुत मुश्किल है अब। गोदी मीडिया का टर्म कहाँ से आया? और फिर भारत की अभी होता है कि डंका बज रहा है विश्व में, कहाँ डंका बज रहा है तो वही मैं कि काम करो या मत करो, प्रचार खूब करो कि मैं व्हाइट हाउस में जाकर उनसे मिलूं। और मैं व्हाइट हाउस गया, दूसरे दिन उनसे मुलाकात हुई, 20 मिनट समय हम लोगों ने इकट्ठे बिताया, तो मैं डंका बज रहा था भारत का। अब विश्व में बड़ी निराशा है तो अभी भारत। अभी जैसे क्या, अभी हजारीबाग की स्थिति अगर बात करें तो क्या है, आप किस एंगल से देख रहे हैं इस चुनाव को? मैं इस चुनाव को इस एंगल से देख रहा हूँ। जोहार हजारीबाग, मैं फैज अनवर, आप देख रहे हैं जोहार हजारीबाग। हजारीबाग का नाम जब 2004 से पहले हम लोग लेते थे, कहीं बाहर रहते थे हजारीबाग के स्टूडेंट पढ़ने के लिए, तो कोई रेफरेंस पॉइंट अगर देना होता था तो वो लोग बोलते थे कि यशवंत सिन्हा के घर से आ रहे हैं, मतलब हजारीबाग से आ रहे हैं, हमारे शहर से फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर जो हैं हमारे शहर से हैं, एक आइडेंटिटी थी हजारीबाग। 2005 के बाद धोनी भी एक आइडेंटिटी बना जब उसने वर्ल्ड कप जिताया, लोग कहते हैं कि हम रांची से हैं, धोनी के शहर के हैं। लेकिन वो दौर था जब यशवंत सिन्हा जी का दौर था, जब वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, तब लोग रिकॉग्नाइज करते थे हजारीबाग का, एक बहुत बड़ा नाम इनके वजह से हुआ, वो भी पूरे देश में, कह सकते हैं कि कोने कोने के लोग जो यहाँ से पढ़ने जाते थे, यहाँ के स्टूडेंट थे जो काम करने जाते थे, वो बताते थे कि हमारे ही शहर से फाइनेंस मिनिस्टर हैं, फॉरेन मिनिस्टर हैं। आज हमारे साथ हैं यशवंत सिन्हा जी, उनके घर पे हम लोग आए हैं और जानेंगे आखिर जो राजनीतिक उथल पुथल चल रही है हजारीबाग में, और जो 10 साल का कार्यकाल चला है ये नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट पार्ट 2 जो चला है, उसके बाद अभी की स्थिति क्या है, इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले बैकग्राउंड में जाएंगे सर, आपके फाइनेंस मिनिस्ट्री जब थी टर्म, और अभी जो लोग कह रहे हैं निर्मला सीतारमन के टाइम में कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी कर दिया हम लोगों ने और उस पर बहुत हो हल्ला हो रहा है, लेकिन जब आप थे तो क्या उस टाइम में कोई भी सरकार आती तो फाइनेंस मिनिस्टर कोई भी रहते तो क्या 5 ट्रिलियन नहीं पहुंचती जो इसको इतना हाईलाइट किया जा रहा है? आप इसी शहर में जाकर एक आम आदमी से पूछिए कि ट्रिलियन का मतलब क्या होता है। गांव देहात की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ट्रिलियन की बात क्या होता है, क्या मतलब होता है। और फिर पूछिए कि भाई डॉलर क्या होता है, डॉलर जानते हो क्या होता है? तो ये 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी ये इतना एक जुमले के अलावा कुछ नहीं है, और देश की अर्थव्यवस्था जब बढ़ती है तो 3 ट्रिलियन की होगी, 4 ट्रिलियन की होगी, 5 ट्रिलियन की भी होगी, किसी न किसी दिन तो पहुंचना है ना। बिल्कुल। तो इसमें कोई लक्ष्य निर्धारित करके कहे 5 ट्रिलियन इकोनॉमी। देखिए मोदी जी के शासन काल में मोदी जी ने देश के लोगों को सब्जबाग दिखाया है, और खासियत आप नोटिस करेंगे कि ये है कि या तो वो बहुत भविष्य की बात करते हैं कि 2047 में ये हो जाएगा, 2050 में ये होगा, 2075 में ये होगा, या वो औरंगज़ेब के ज़माने की बात करते हैं, वो कहीं और से भी पीछे जाते हैं, बाबर के ज़माने में जाते हैं। तो या तो पीछे जाते हैं या आगे, वर्तमान में लोग नहीं रहे हैं, क्योंकि वर्तमान में जब वो जीना शुरू करेगी देश की जनता तो उसको याद पड़ेगा कि भाई महंगाई तो मार रही है, बिल्कुल। उसको याद पड़ेगा कि भाई इतना सब कुछ गड़बड़ हो गया है तो इसका क्या होगा। तो उससे ध्यान बटाने के लिए ये सब बातें की जाती हैं, 5 ट्रिलियन इकॉनमी, कोई
कोई समझता नहीं है किसी चीज़ को, लेकिन कहने को एक बात चल पड़ी है। एक चीज़ और है, जैसे हम लोग पिछली रैलियों में या फिर 2019 के चुनाव में हम लोगों ने देखा कि आपके बेटे जयंत सिन्हा भी थे, वो वोट मांगने के लिए आते, तो बात करते थे विकास की कि हम लोगों ने 5 साल में क्या किया, पिछली 5 साल में डबल इंजन की सरकार भी थी यहाँ, तो उन्होंने बात करते थे कि 5 साल में क्या किया। लेकिन अभी यहाँ पे देख रहे हैं कि जो वादे किए थे स्टार्टिंग में 2014 में शुरू हुआ था कि 15 लाख दे देंगे और उसके बाद 2 करोड़ नौकरियाँ देंगे, उसके बाद जो पेट्रोल का दाम है 35 रुपये कर देंगे और बहुत सारी चीज़ें हैं, गैस का दाम कम कर देंगे, इन सब पे जो बात हो रहा था, 100 मेट्रो ये सिटीज़ जो स्मार्ट सिटीज़ की बात हो रही थी, बुलेट ट्रेन की बात हो रही थी, तो ये सारी जो बातें हैं वो इस चुनाव में नहीं देखने को मिल रहा। किसी भी भाषण में हम लोगों ने नहीं सुना कि वो जो वादे किए थे 10 साल पहले वो कहीं नहीं आ रहे, क्या कारण है? कारण ये है कि उन वादों पर अमल नहीं हुआ, न लोगों को 15 लाख रुपया मिला, न 100 स्मार्ट सिटी बने, ना कोई और वादा पूरा हुआ। इन सब के पीछे एक और वादा था, वो वादा क्या था? अच्छे दिन, मैं आऊँगा तो अच्छे दिन लाऊँगा। अब जब महंगाई की सुई चुभ रही है लोगों के बदन में, तो वो लोग सब अच्छे दिन भूल गए। तो इसीलिए ये सब बातें की जा रही हैं ताकि लोग वर्तमान को भूलें, और जितने वादे थे उनकी चर्चा इसलिए नहीं होगी कि वो वादे पूरे नहीं हुए, इसलिए मोदी जी चाहेंगे कि किनारे होके निकल जाएं और आगे गारंटी की बात करेंगे। नया शब्द आ गया है, मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी। अरे 10 साल यार आप सत्ता में रहे, 10 साल बड़ी लंबी अवधि होती है, किसी ने आपको रोका नहीं, आपने नहीं क्यों नहीं वो सब काम कर दिया जो आज आपको गारंटी देने की ज़रूरत पड़ी है 10 साल के बाद। मैं आपको एक बात और बताऊँ, अमेरिका में संवैधानिक प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति 2 बार से ज़्यादा अमेरिका का राष्ट्रपति नहीं बन सकता है। तो 2 ही बार बनेगा, ओबामा बहुत ही कम उम्र के थे जब 2 बार बन के रिटायर हो गए, तो 2 साल 2 बार का मतलब हुआ 1 बार 4 साल 1 बार 4 साल मतलब 8 साल। उसके पीछे तर्क क्या है? उसके पीछे तर्क ये है कि भाई आप जो कुछ करना चाहते हो वो 8 साल में आप कर सकते हो, उसके बाद आपको ज़रूरत नहीं है सत्ता में रहने की, इसीलिए आपको रिटायर कराया जाएगा, किसी और के हाथ में सत्ता जाएगी। यहाँ पर 10 साल से मोदी जी हैं, क्योंकि एक एक टर्म 5 साल का है, और 10 साल के बाद कह रहे हैं कि अब आगे ये करेंगे आगे वो करेंगे, कोई तुक नहीं बनता है इसका। मोदी जी फेल हो चुके हैं, और सब्जबाग दिखाना, जुमलेबाजी करना, इसके अलावा उन्होंने कुछ किया ही नहीं। तो 2008 में आपकी जब स्पीच देख रहे थे, आपने जब पार्टी छोड़ी थी, तो आपने एक बात कही थी कि ये तानाशाही की तरफ जा रहा है ये सरकार, इसलिए मैं इससे अब थोड़ा सा अलग हो रहा हूँ। तो क्या वो बात आज जो निकल के आ रही है 2024, 6 साल बाद, वो सच लगता दिख रहा है? देखिए, दुनिया में भारत का प्रजातंत्र एक ऐसी कीमती चीज़ थी जिसकी सब लोग चर्चा करते थे, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये इतने फख्र की बात थी कि हम सब जब बाहर जाते थे, चाहे भारतीय की हैसियत से या किसी पद की हैसियत से, तो सबसे ज़्यादा इस बात पर हम लोग जोर देते थे कि सारी कमियों के बावजूद, सारी गरीबी के बावजूद, सारी अशिक्षा के बावजूद, भारत के लोग प्रजातंत्र में विश्वास करते हैं और यहाँ प्रजातंत्र एकदम मजबूती के साथ कायम है। उस प्रजातंत्र पर मोदी जी ने आघात किया। प्रजातंत्र है क्या? प्रजातंत्र है स्वतंत्र मीडिया। क्या मीडिया स्वतंत्र रहा? गोदी मीडिया का टर्म कहाँ से आया? गोदी मीडिया, क्योंकि मीडिया जो है वो भी बिक गई। पार्लियामेंट का कोई वजूद नहीं रहा, जुडिशरी को के ऊपर उन्होंने कब्जा कर लिया, चुनाव आयोग उनका मातहत बन गया, तो सारी जो संस्थाएं हैं प्रजातंत्र की, उन्होंने उसको अंदर से खोखला कर दिया ताकि उनकी ताकत जो है वो और बढ़ती रहे, और उसके बाद 56 इंच की छाती की बात करके वो लोगों को प्रभावित करते थे, ये दिखाने की कोशिश करते थे कि भाई देखो हम बहुत बहादुर आदमी हैं, ऐसा बहादुर आदमी तो कभी देश को मिला ही नहीं। और आप जब आपने शुरू किया था तो ग्लोबलाइजेशन का टाइम था, जब आप फाइनेंस मिनिस्टर भी बने थे,
और अभी लगभग 24-25 साल हो गए हैं, 34 साल हो गए हैं, तो उसमें और अभी के दौर में जब स्टार्टिंग था वो कितना चैलेंजिंग था वो फेस करना पूरा वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ, और अभी का दौर इनको एक आप कह सकते हैं प्लेटफॉर्म मिल गया है, तो क्या हम लोग ग्रो कर रहे हैं सही डायरेक्शन में कि वो थोड़ा? नहीं, बहुत ग्लोबलाइजेशन के चलते बहुत हम लोगों को कष्ट झेलना पड़ा था। ग्लोबलाइजेशन एक ऐसा प्रवाह था जिसको आदमी रोक नहीं सकता था। ग्लोबलाइजेशन में शामिल होना ही पड़ता था। कोशिश यही होती थी कि ग्लोबलाइजेशन को हम स्वीकार करें अपने टर्म्स पर, विदेशियों के टर्म्स पर नहीं। तो ये प्रयास हम लोगों का चलता रहा, लेकिन सिर्फ वही थोड़ी हम लोगों ने फेस किया। आपको याद होगा कि 98 में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी और मैं देश का वित्त मंत्री बना, तो तुरंत उसके बाद परमाणु परीक्षण हो गया। अच्छा। और देश के सारे जितने ताकतवर देश थे उन्होंने भारत के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया। प्रतिबंधों का मुकाबला हम लोगों ने किया बिना झुके हुए। अब ये तो इतिहास की बात हो गई, बहुत दिन पुरानी बात हो गई, लेकिन उस समय मजबूती के साथ भारत ने इन प्रतिबंधों का मुकाबला किया, और यहाँ तक कि हमने किसी के हाथ सामने हाथ फैलाने को उचित नहीं समझा, और अंततः हार दाजकर भारत अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे उस समय बिल क्लिंटन, वो स्वयं चलकर यहाँ पर आए और उन्होंने भारत को एक परमाणु शक्ति के रूप में माना कि भाई भारत एक परमाणु शक्ति है। पोखरण के टाइम के आप? पोखरण के बाद 98, 99, 2000 ये सब चलता रहा, और 2000 में मुझे याद पड़ता है कि वो आए थे भारत क्लिंटन, और फिर भारत की अभी होता है कि डंका बज रहा है विश्व में। कहाँ डंका बज रहा है? तो वही मैं जानना चाहता हूँ, जैसे लोग यहाँ इंडिया के मीडिया में चल रहा है, तो विदेशी मीडिया में क्या चल रहा है? विदेशी मीडिया में लोग तो जान ही नहीं पाते हैं। विदेशी मीडिया में भारत की घोर भर्सना हो रही है, क्योंकि जैसा मैंने आपसे कहा कि जो यहाँ का प्रजातंत्र है उसमें सबको रुचि है। अब प्रजातंत्र भारत में कमज़ोर हो रहा है तो सब लोग इससे चिंतित हैं, और ग्लोबल मीडिया ज़्यादा चिंतित है, तो वहाँ पर जो खबरें छप रही हैं भारत के बारे में वो यहाँ पर रोक दी जाती हैं। उनको उनका जिक्र तक नहीं होता है। कुछ तारीफ की बात छपती है तो उसका बहुत जिक्र होता है, लेकिन अगर शिकायत होती है तो उसको दिखाया नहीं जाता है, छापा नहीं जाता है। तो दुनिया निराश है भारत से, कोई डंका शंका नहीं बज रहा है, लेकिन कहने को है कि भारत का डंका बज रहा है, और इस बात का इतना प्रचार हुआ कि बहुत से लोग, नादान लोग, इसके चक्कर में आ गए। कि लोग तो ये भी बोलते हैं कि 2014 के बाद भी आज़ादी मिली है हमें और उसके बाद हम लोग गुलाम थे। अब अंध भक्तों को तो कुछ, वो कांगड़ा से चुनाव लड़ रही हैं जिन्होंने ऐसा कहा। हाँ, नहीं, भाजपा से ही लड़ रही हैं, कंगना रनौत। हाँ, तो अब देखेंगे उनका क्या हश्र होता है इस चुनाव में, लेकिन वो छोड़ दीजिए, वो तो भक्त हैं और कहते हैं कि भक्त हैं, लेकिन प्रचार जो है, गलत प्रचार से आप लोगों को प्रभावित कर सकते हैं, ये मोदी जी ने साबित कर दिखाया कि काम करो या मत करो, प्रचार खूब करो, बाहर डंका उनका बजे चाहे नहीं बजे, कहो कि डंका बज गया। और मैं देखता हूँ कभी कभी किसी YouTube चैनल में कि लोग कहते हैं कि नहीं साहब, मोदी जी ने बहुत काम किया, वो विदेशों में कितना डंका बज रहा है, कोई डंका शंका नहीं। पर ही एक मेरा सवाल था, क्योंकि आप फॉरेन मिनिस्टर भी रहे हैं, विदेश बहुत बार गए हैं जब आप पार्लियामेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, तो उस वक्त क्या थी, मतलब भारत की स्थिति क्या थी कांग्रेस के गवर्नमेंट के टाइम में भी, और आपकी जब सरकार थी अटल बिहारी वाजपेयी, कितना वैल्यू था हमारा कंट्री का? बहुत वैल्यू था अटल जी के टाइम में, खासतौर पर जब दुनिया के बड़े बड़े देश अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में इकट्ठे होते थे, तो जो मेज बनता था खाने का, उस पर अगर अमेरिका का राष्ट्रपति बैठ रहा है, भारत का प्रधानमंत्री बैठ रहा है, इंग्लैंड का प्रधानमंत्री बैठ रहा है, और दूसरे देशों के लोग बैठ रहे हैं, उसमें अटल जी को भी स्थान मिलता था। 7-8 लोग जो बैठते थे उसमें अटल जी को निश्चित रूप से स्थान मिलता था। उस समय डंका बज रहा था। और मैं एक और उदाहरण आपको देता हूँ, मैं विदेश मंत्री था भारत का, मैं विदेश मंत्री की हैसियत से अमेरिका गया, तो हमारे राजदूत ने हमको एयरपोर्ट पर ही बताया कि कल सुबह आपका पहला अपॉइंटमेंट जो है वो अमेरिका के राष्ट्रपति बुश के साथ है। अच्छा। क्योंकि राष्ट्रपति बुश जो थे उन्होंने
मुझे निमंत्रण दिया कि मैं व्हाइट हाउस में जाकर उनसे मिलूं, और मैं व्हाइट हाउस गया। दूसरे दिन उनसे मुलाकात हुई, 20 मिनट समय हम लोगों ने इकट्ठे बिताया। उस समय डंका बज रहा था भारत का। आज मोदी जी 10 साल से शासन में हैं, कोई मोदी जी और कोई भी सरकार का आदमी बताए कि किस मंत्री को अमेरिका के राष्ट्रपति ने बुलाकर व्हाइट हाउस उससे बातचीत की, किस मंत्री को बुलाया? अभी तक तो फोटो भी नहीं आया है किसी का, मतलब नहीं आएगा ही नहीं, क्योंकि मुलाकात का सवाल ही नहीं है। ही साथ में आता हाँ और अब वो भी नहीं आएगा क्योंकि वो लोग निराश हो चुके हैं। पूरा मतलब देश जो है विश्व, मतलब पूरा ऐसा हाँ हाँ विश्व में बड़ी निराशा है। तो अभी जैसे क्या, अभी हजारीबाग की स्थिति अगर बात करें तो क्या है, आप किस एंगल से देख रहे हैं इस चुनाव को? मैं इस चुनाव को इस एंगल से देख रहा हूँ कि इस चुनाव में घोर अन्याय किया है भारतीय जनता पार्टी ने, और बाबूलाल मरांडी ने तो सारी सीमाएं ही तोड़ दी, क्योंकि जो उनके चमचे थे उन्हीं को उन्होंने टिकट देने का काम किया है, जो जेवीए में उनके साथ थे उन्हीं लोगों को उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया है। जयंत सिन्हा के यहाँ टिकट क्यों कटा, कोई आज तक किसी ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है। क्योंकि बाहर एक बोर्ड हम लोगों ने देखा, सर्वश्रेष्ठ सांसद का अवार्ड उन्हें मिला था उनको, और सब लोग जानते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, यहाँ पर भी किया, दिल्ली में भी किया, तो उनका टिकट अचानक क्यों काट दिया गया, कोई कारण किसी ने आज तक नहीं बताया। कारण मैं जानता हूँ वो ये था कि बाबूलाल मरांडी ने उनको, केंद्रीय नेतृत्व को, इस बात के लिए राजी किया कि उनका टिकट काट दिया जाए। और ये सज्जन जो हैं, जो एक व्यापारी हैं और बाबूलाल जी से पता नहीं उनका क्या संबंध रहा है, उनके पिताजी उनके कोषाध्यक्ष होते थे उनकी पार्टी के, तो उनको टिकट मिल गया। तो इसलिए ये जो है वो बहुत गलत काम किया है उन लोगों ने, इसलिए मैं यहाँ पर बैठा हूँ कि मैं भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को हराऊंगा यहाँ पर। तब से आप चुनाव, जब से शुरू हुआ तब से यहीं पर हैं और चुनाव खत्म होगा उसके बाद ही जाएंगे। ये ठान लिया है कि हरा के जाएंगे, बिल्कुल जा। और एक 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 लास्ट सवाल, बहुत सारी गतिविधियां चल रही हैं, हेमंत सोरेन का अरेस्ट हुआ और अरविंद केजरीवाल का अरेस्ट हुआ, इसको लेकर कितना प्रभाव पड़ेगा पूरे देश के? बहुत बहुत प्रभाव पड़ रहा है, यहाँ झारखंड में पड़ रहा है और पूरे देश में पड़ रहा है, क्योंकि सारा देश अब ये समझ गया है कि अत्याचार कर रहे हैं मोदी जी, और इस देश की जनता अत्याचार को बर्दाश्त नहीं करेगी।